अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ होम्योपैथी लीड डॉक्टर सादिया आसिफ। और आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर है। आज हम आर्थराइटिस पर बात करेंगे, खसियों की सूजन सोजिश पर बात करेंगे और साथ में होम्योपैथी की चार मेडिसिन शेयर करेंगे जो आर्थराइटिस में बहुत ही मुफीद साबित होती हैं। सो चलिए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो आर्थराइटिस है क्या, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन। आर्ची का मतलब होता है टेस्टिस और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। टेस्टिस इन्फ्लेमेशन ये किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया और वायरस जब टेस्टिस में जाकर इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन फैलाते हैं तो आपको आर्थराइटिस का मसला बन जाता है। बाज़ दफ़ा तो ये दर्द एक टेस्टिस में होती है और बाज़ दफ़ा दोनों जो टेस्टिस हैं इसका शिकार हो जाते हैं। इसके क्या अलामत वजूहत होती है, इसकी बहुत सी अलामत वजूहत होती हैं, जैसे कि आप गंदी मूवीज़ देखते हैं, फोश लिटरेचर पढ़ते हैं, जिसकी वजह से आपका जुए तनासर जो है वो काफ़ी देर टाइट रहता है और आप उसको रिलीज़ नहीं करते, रिलैक्स नहीं करते, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन फैलता है और साथ में आपको आर्थराइटिस का मसला बन जाता है। इसके अलावा हर्निया प्रॉब्लम होती है, अगर आपको हर्नियों का मसला है तो भी आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होगा। अगर आपको मम्स जो है उसका प्रॉब्लम है, कान पेड़े जिसको कहा जाता है, उसकी वजह से भी आपको ये आर्थराइटिस जो है खसियों की सूजन सोजिश का मसला बनेगा। टाइट अंडरगारमेंट्स जो हैं वो यूज़ करने से भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। मसाने की पुरानी इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो उससे भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप सफाई का प्रॉपर ख्याल नहीं रखते तो भी आपको ये मसला बन सकता है। बाज़ दफ़ा तो रेडनेस और इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा होती है कि जो आप पेशाब करते हैं तो उसमें आपको ब्लड आना शुरू हो जाता है, सीमम में भी ब्लड आना शुरू हो जाता है। सो होम्योपैथिक की जो चार मेडिसन है वो बहुत ही मुफीद है आर्थराइटिस में। जो फर्स्ट मेडिसन है वो बेलाडोना है, वो आपने 30 पोटेंसी में लेनी है। जो सेकंड मेडिसन है वो रोडोडेंड्रॉन मेडिसन है, वो भी आपने 30 पोटेंसी में लेनी है। ये दोनों मेडिसन आपने 2 टाइम अ डे लेनी है। इसके अलावा बायोकेमिक की 2 ऐसी मेडिसन है जिसमें कालीम्यूर मेडिसन है जो आपने 6x में लेनी है। ये अगर आपको सोजाक की वजह से आर्थराइटिस का मसला बन रहा है ये उसके लिए बहुत मुफीद है। इसकी 4 गोलियां आपने 2 टाइम अ डे लेनी है। दूसरी बायोकेमिक की जो मेडिसन है वो फेरमफास है। ये अगर आपके टेस्टिस में स्वेलिंग के साथ साथ रेडनेस भी है और साथ में आपको बुखार का मसला भी है तो उसके लिए ये बहुत मुफीद है। ये भी आपने 6x में 4 गोलियां 2 टाइम अ डे लेनी है। सो ये तो थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें ताकि हर आइंदा आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।